नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जय श्री राम बोलने पर सातवीं के छात्र को पीटा, शहडोल में बोढ़ार थाने के बाहर हंगामा, स्कूल डायरेक्टर और इंग्लिश टीचर गिरफ्तार। यहां देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर और स्कूल डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीएम ने गाया भजन, राम जी की निकली सवारी, उज्जैन की श्रीराम राहगीरी में क्षण घुमाई, पंजा भी लड़ाया। रविवार को राहगीरी के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भजन राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी गाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मनेगी राम दिवाली, आजादी के बाद पहली बार बिन दिवाली पटाखा लाइसेंस, दियों की भी बम्पर डिमांड। एमपी सरकार के चार राज्य मंत्री काम के इंतजार में, विभाग बंटवारे के 21 दिन बाद भी नहीं मिली जिम्मेदारी। बैठकों में काट रहे समय मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह को विभाग तो आवंटित हो गए हैं। उज्जैन में 5.9 गुना में 151 फीट की अगरबत्ती, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर की जाएगी प्रज्वलित, गोबर घी चंदन और औषधियों से बनाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करेंगे 5 सभाएं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी के अंतिम सप्ताह प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेगी। पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं इमरान खान, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर सीएम मोहन यादव का बयान। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत ऐसा समय देख रहा है कि जब पीएम मोदी के अक्षर उनके लिए गए फैसलों पर दुनिया नजर रखती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा, जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। ईश्वर ने चाहा तो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान व ननकाना साहिब भी होंगे भारत का हिस्सा, भोपाल में बोले मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश विभाजन से राष्ट्र खंडित हो गया था, अब फिर अखंड भारत की दिशा में कार्य हो सकता है। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने की तैयारी, कुनो नेशनल पार्क से प्रशिक्षित स्टाफ की मांग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।